आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज CuSO4.5H2O ऑन हीटिंग गिव्स। हमें यहाँ पर एक इनकम्प्लीट इक्वेशन गिवन है जिसे हमें कम्प्लीट करना है। यहाँ पर हमें गिवन है CuSO4.5H2O। यहाँ पर CuSO4 सॉल्ट है और इसके साथ एसोसिएटेड है 5 वाटर मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड with one formula unit of salt is called water of crystallization। यहाँ पर हमें गिवन है एक सॉल्ट जिसके साथ एसोसिएटेड है कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कलर एंड द शेप ऑफ द क्रिस्टल। तो यहाँ पर जो कलर है ऑफ दिस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ब्लू। एंड यहाँ पर हमें इसे हीट करना है, हीट करने पर ये क्या करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देते हैं, यहाँ हमें मिल जाता है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के पास वाटर ऑफ मॉलिक्यूल रह नहीं गए हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह नहीं गए हैं, तो इसका कलर रिमूव हो जाता है, ये व्हाइट इन कलर हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। इट इज व्हाइट इन कलर। यहाँ पर ये क्रिस्टल फॉर्म में था, अब यहाँ पर क्या हुआ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया तो ये पाउडरी फॉर्म में आ जाता है। हमने कंप्लीट कर दिया इक्वेशन, हमें कंप्लीट करनी थी, यहाँ पर आ जाएगा कॉपर सल्फेट दैट इज एनहाइड्रस अलोंग विद 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।